and organize collection of data across the internet and analyze a large amount of information quickly and efficiently. क्या है डाटाबेस? क्या है डाटा का कलेक्शन? लेकिन किस मायने में है ऑर्गेनाइज किसी भी तरह का डाटा जो एक टेबल के फॉर्म में सदा करके रखा हुआ डाटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। और इसका क्यों क्या है डाटाबेस का? तो पहला कि मैं डाटा को इंटरव्यू करना हो भी जाता है, उसके बाद मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब क्या? सही ढंग से रख रखा करना, एक्सेस करना, कोई मांगा तो उनको दे देना, एनालाइज करना, उस डाटा के बारे में सोचना, ये सब काम होता है डाटा बेस का। लेकिन डाटा कैसा होता है? कैसा डाटा? डाटा लेने के लिए डाटा के साथ होना चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत बड़ा डाटा। अगर मान लो निकाल डाटा रहेगा तो काम से हद से उठा पटक करते हैं, लेकिन मान लो लाख हजार डाटा रहे वो कैसे करें? मान लो बना पड़ेगा, मान लो कि रिजल्ट बनाना, टेस्ट का रिजल्ट बना, टेस्ट का रिजल्ट बनाने के लिए तो रिजल्ट बनाया नेट पे डाल दिया, तो उसमें से किसी खास बच्चा को निकालने में बहुत मुश्किल आ जाता है, लाख दो लाख। तो उसके लिए डाटा बेस क्या करता है? जो भी हो सकता है वैसा ही रोल कॉल का दो बच्चा होगा, उसमें दूसरा जो दिया है उसको वो खोजेगा तो बच्चा इधर उधर नहीं होगा, पता जाएगा। यही क्यों डाटा बेस? तो डाटा बेस समझ में आ गया? डाटा बेस कुछ नहीं है, डाटा बेस अरेंजमेंट है, ठीक है ना? ऑर्गेनाइज डाटा मतलब ऑर्गेनाइज डाटा का अर्थ ये हो गया कि स्टूडेंट ने उसके बाद फादर्स ने एक रिजल्ट को स्टूडेंट फॉर्म बनाता है, स्टूडेंट ने बनाता है, फादर ने बनाता है, ठीक है ना? अब मान लो फादर नेम में स्टूडेंट का नेम रहेगा तो ये ऑर्गेनाइज वे नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज वे का मतलब ये भी हो गया कि पिताजी का नाम में पिताजी का नाम, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज। और इसको शॉर्ट में कर सकता है का अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्म इक्वल टू का, क्लियर हो गया बात? यानी टेबल के फॉर्म में, टेबल में क्या रहता है? वो एक कॉलम रहता है, यानी कि कोई डिग्री में दूसरे तरह से भी डाटा बोल सकता है, दूसरे तरह से भी डाटा जब वो एक कॉलम में रहता है तो वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, जो वो एक कॉलम में कॉल डाटा। और इसका काम क्या है कि जैसे कोई इंटर द डाटा, मैनेज द डाटा, एक्सेस द डाटा, एनालाइज द डाटा, ठीक है ना? विथ क्विकली एंड एफिशिएंट, क्लियर हो गया? ठीक है, किसी को अब फुल जगह क्वेश्चन नहीं देगा, पता भी है, याद रखो। अब आप क्वेश्चन अगर करता तो इसका आम करता है व्हाट यू मीन बाय डेटा राजेश को दिया। अब आगे दूसरा है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस को समझ गया, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम को वो वर्ड होगा जो किस सिस्टम के द्वारा ही हम डाटा बेस को हम मैनेज करेंगे, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बेस मैनेजमेंट। यानी किस सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटा बेस को मैनेज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर? डाटा बेस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीएमएस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव
BBMS stands for database management system. देखो BBMS, what do we do at BBMS? उसी लिखा है डाटाबेस, ठीक है ना? उसी में अगर हम कंप्यूटराइज सब कुछ जोड़ देते हैं तो मेरा क्या डिफिनेशन हो जाएगा? डाटाबेस BBMS A BBMS is a computerized record keeping system. A BBMS is a computerized record keeping system. हो गया? अब बादों की जो बात ऊपर लिखा है, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, हाँ? पूरा लिखो ना उसी में निकालते हैं। That enables you, that enables us to create from my store from a modify. And extract information from a data. बात तो समझ आ गया, जो बोले हो गया ना। ऊपर वाला सिर्फ हम टैग किए हैं, बैक में वर्ड लगा दिए हैं और इनेबल मतलब करना होता है अस टू क्रिएट स्टोर करने के लिए मॉडिफाई मीन्स चेंजिंग करने के लिए एक्सट्रैक्ट मीन्स छाटने के लिए ना कहाँ से कौन सा क्लियर आगे बढ़े Number of tables without any structured relationship
ब्लैक फाइल डाटाबेस क्या है? ये ब्लैक फाइल डाटाबेस रेफर्स टू द डाटा फाइल, वो तो डाटा फाइल रेफर कर रहे हैं तो डाटा फाइल होगा, डीबीएमएस पर रहे हैं और उसका टाइप पर रहे हैं तो क्या हो डाटा फाइल होगा। दैट कंटेंट जो ही डाटा फाइल बना होगा तो डाटाबेस में डेफिनेशन बोले थे रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। Contents record which have a small fixed number of मतलब जिसमें एकदम एक सीमित फील्ड हो, इससे ज्यादा फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक लिमिटेड फील्ड होना चाहिए। Without any structured relationship और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, तो वैसे डाटा फाइल को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक। एग्जांपल में लिख दो, क्वेश्चन दे देगा, नेम एनी टू, क्वेश्चन बना मैं एग्जांपल लिख के समझा देता हूं। नेम एनी टू एग्जांपल ऑफ ब्लैक फाइल डाटा का सिंबल है, इसका तो क्या हो जाएगा? एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल बॉक्स प्रो, बॉक्स प्रो हिसाब का दर्द जब हमने कहा था मुझे नहीं लगा, बॉक्स प्रो या कोई एक्सपी आ रहा है, एक फायरफॉक्स की दूसरा है, ब्राउज़र क्रिएट है, कॉमन अकाउंट जो लोटस 123 फिर समझता है फिर क्या होता है, देखा होगा एक साल में ये हो गया स्टूडेंट ने आदर्श ने फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो तुम्हारा हुआ, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा हुआ, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। अब इसमें स्टूडेंट का नाम, आदर्श का नाम कुछ भी हो, फिजिक्स माया भी इसी तरह से एग्जाम से लेकर के एक पोर्टल तक जो चीज हुआ क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ब्लैक फाइल में क्या होता है? रो एंड कॉलम क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है ना। और इस रिकॉर्ड का रिलेशन दूसरे टेबल से नहीं रहता, समझ गया ना, इस टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल से नहीं रहता है, तो वैसे डाटाबेस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? अब मैं तो रिकॉर्ड बनाया रहा हूँ, ठीक है ना, नाम के बारे में एक टेबल बना जिस टेबल में लिखा हुआ है कि विलेज उस नाम का क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, करेक्टर क्या है, हम इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, ये रॉम का रिलेशन बताइए, दूसरा फील्ड टेबल हो गया। हाँ, अगर मान लो अब चलते हैं आर डी एम एस की ऊपर, सब डिफिनेशन वही रहेगा, अंतर क्या रहेगा? फिक्स क्या रहेगा? रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना, फिक्स फील्ड नहीं रहेगा और रिकॉर्ड का रिलेशन किससे रहेगा? दूसरे टेबल से रहेगा, तो वैसे डाटाबेस मैनेजमेंट फाइल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशनल। समझ में आया था, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। तो देखो व्हाट डू मीन बाय रिलेशन करना, तो व्हाट डू मीन बाय डाटाबेस? देखो रिलेशनल डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन सेवरल टेबल, मतलब उसमें क्या था? एक ही टेबल था, इसमें ब्लैक फाइल में, बट ब्लैक फाइल में क्या था? एक ही टेबल था, लेकिन आरडीएमएस में क्या है? बहुत सारा टेबल है, बोले थे और उसका रिलेशन होगा, बहुत सारा टेबल है, रिलेशन तो होना ही है, इसी को बोलेंगे। कुछ ना हो सकता
these devils are related. These devils are related. Related to one another, such a way. Such a way that whenever there is a need, the data can be joined. And information can be accessed from them at home. मतलब जब जरूरत पड़ेगा बहुत सारा टेबल है जिस दिन हमको जरूरत दूसरे टेबल पड़ा तो वहाँ से डाटा ले लेगा तो इनसे को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल हाई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेगा तो डाटा टकरा डायरेक्ट बहुत जगह बना हुआ रहेगा वहाँ से डाटा को एक्सेस करते लेकिन करेगा जब आगे बताएं तो करने के लिए प्राइमरी की बनाता है प्राइमरी की और सेकेंडरी की RDMS ये क्वेश्चन को क्लियर हो गया ये वो पकड़ाएगा कंपनी को भी मार्क्स आ जाएगा
आज आज जो पढ़ाए उसको आज ठीक याद करो, दिमाग में बैठा लो। और इसमें कोई भारी चीज समझ लिखा है बता दीजिए, तो दोनों को जो है पाला में क्या है डिफिनेशन है, दूसरा में क्या है टाइप्स है, मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम में खाली एक कंप्यूटराइज सब कुछ जोड़ देना है, ऊपर वाला डिफिनेशन को ऐड कर दो, वो डिफिनेशन बन गया। टाइप में याद रखो सिंगल फील्ड रिकॉर्ड होता है, फिक्स उसका फील्ड होता है, स्मॉल होता है, स्ट्रक्चर्ड रिलेशन होता है, और उसी का उल्टा रिलेशनल डेटाबेस में है ना, क्लियर? अभी अपना जो रिलेशन में डेटा पड़ता है पर उसका कोई गारंटी नहीं कि मार्च में लगेगा कि फरवरी में लगेगा, जनवरी फरवरी में दो महीना तीन महीना पर डे याद करने की क्या दिक्कत है, अगर कर लेगी तो 40 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा और 20 नंबर तुमको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन आंसर से।